असलम स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन इन दिस वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज टू पॉइंट वन ऑफ क्लास सेवन मैथमेटिक्स लेट्स विद क्वेश्चन नंबर वन सेपरेट ईवन एंड ऑर्ड नंबर्स अब इस क्वेश्चन में आपके पास लिस्ट के वन है और इस लिस्ट में से आपने सेपरेट करने हैं ईवन एंड ऑड नंबर्स को अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास ई वन नंबर्स होते कौन से हैं ईवन नंबर्स आपके पास होते हैं मल्टीपल्स ऑफ टू या फिर टू फोर सिक्स एट ज़ीरो जो नंबर्स हैं ये आपका जब लास्ट डिजिट बनते हैं या कोई भी नंबर आपके पास है और वो उसके एंड डिजिट या लास्ट डिजिट ये आ जाते हैं टू फोर सिक्स एट या ज़ीरो तो वो आपके पास इवन नंबर्स होते हैं अब इस लिस्ट को देख के हम लोग सेपरेट करते हैं और जिन नंबर्स के लास्ट डिजिट पे हमारे पास और नंबर आ जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल थ्री फाइव सेवन नाइन तो वो नंबर हमारे पास और नंबर्स होते हैं अब इधर से सेपरेट करते जाते हैं फर्स्ट नंबर थर्टी थ्री अब इसके लास्ट डिजिट जो हमारे पास है वो एक ऑड नंबर है थ्री तो ये हमारे पास पूरा नंबर भी ऑड नंबर ही बनेगा नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्टी अब ये ज़ीरो पे एंड हो रहा है तो ये हमारे पास इवन नंबर नेक्स्ट वन फोर्टी टू लास्ट डिजिट टू आ रहा है वो ई नंबर भी है टू के मल्टीपल्स में भी आता है तो वो आपके पास ई नंबर होगा नेक्स्ट को चेक करते हैं सेवन वन थ्री फोर लास्ट डिजिट देखें लास्ट डिजिट आपके पास इवन है टू के मल्टीपल्स में आ रहा है तो ये आपके पास इवन नंबर होगा सेवन वन थ्री फोर नेक्स्ट वन 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 अभी आपके पास लास्ट डिजिट जो आपने आप सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करें और आप बता सकते हैं चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो चाहे उस नंबर के फोर डिजिट्स हों फाइव हों सिक्स हों आप उसका लास्ट डिजिट चेक करें और उससे आप बता सकते हैं कि वह नंबर इवन है या ऑड है तो यहाँ पे हमारे पास वन जो है वो ऑड नंबर है तो ये ओवरऑल नंबर भी क्या होगा ऑड नेक्स्ट थ्री टू वन नाइन नाइन ऑड है तो ये नंबर हमारे पास होगा ऑड फाइव ट्वेंटी थ्री थ्री हमारे पास ऑड नंबर है तो ये फाइव ट्वेंटी थ्री हमारे पास ऑड तो होगा नेक्स्ट है सिक्स ट्वेंटी फ़ाइव फाइव अब हमारे पास ऑड नंबर है सो so ये हमारे पास क्या होगा सिक्स ट्वेंटी फाइव इज एन ऑड नंबर नेक्स्ट है सेवन फाइव सिक्स सिक्स सेवन अगेन लास्ट डिजिट हमारे पास ऑड नंबर में आता है तो so ये नंबर ऑड होगा नेक्स्ट है हमारे पास नाइन वन वन सेवन फाइव सिक्स अब इसका जो लास्ट डिजिट है वो हमारे पास इवन नंबर है टू के मल्टीपल्स में आ रहा है so सो ये हमारे पास इवन नंबर है इसी तरह सेवन सेवनटी एट भी आपके पास इवन नंबर है क्वेश्चन नंबर टू लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन ट्वेंटी एंड सिक्सटी अब आपके पास इन्होंने एक इंटरवल दे दिया है ट्वेंटी एंड सिक्सटी के बीच में आपने प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं प्राइम नंबर्स होते क्या हैं प्राइम नंबर्स आपके पास होते हैं या तो वो डिवाइडेड बाय एंड से तो so, या तो वो सिर्फ अपने नंबर से ही क्वेश्चन नंबर टू लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन ट्वेंटी एंड अब इस क्वेश्चन में आपके पास इंटरवल गिवन है ट्वेंटी सिक्सटी आपने इसके बिटवीन चेक करने हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं अब प्राइम नंबर्स होते क्या हैं डिवाइडेड बाय इट्स एंड वन या तो ये अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं या फिर वन से डिवाइड होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई नंबर है थ्री तो ये प्राइम नंबर है थ्री किसी और के टेबल में नहीं आता या तो थ्री अपने ही नंबर से डिवाइड हो जाता है तो या फिर थ्री डिवाइडेड बाई वन इज़ इक्वल टू थ्री इसी तरह फाइव सेवन ये सब प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास हमने ट्वेंटी एंड सिक्सटी के दरमियान चेक करने हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं सो ट्वेंटी एंड सिक्सटी नेक्स्ट आप ट्वेंटी से नेक्स्ट नंबर देखें ट्वेंटी वन अब ट्वेंटी वन जो आपके पास आता है नेक्स्ट जो नंबर है वो आ, आपके पास थ्री के टेबल में भी आता है थ्री सेवन जैट ट्वेंटी वन एंड सेवन भी आता है सेवन थ्री जैर ट्वेंटी वन तो इसके दो फैक्टर्स हैं थ्री और सेवन तो ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं है प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका फैक्टर या तो आपके पास वही नंबर हो या फिर वन हो सो so, नेक्स्ट नंबर की तरफ मूव करते हैं ट्वेंटी टू वो भी एक इवन नंबर है टू के मल्टीपल्स में भी आता है और इस तरह नेक्स्ट आप देखें ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री एक प्राइम नंबर है बिकॉज ट्वेंटी थ्री किसी और टेबल में भी नहीं आता किसी और नंबर का मल्टीपल नहीं बनता इसका फैक्टर या तो ट्वेंटी थ्री बनेगा एंड या फिर इसका फैक्टर वन बनेगा ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई बाई वन इज़ एकवल टू ट्वेंटी थ्री नेक्स्ट नंबर ट्वेंटी फोर चेक करें ट्वेंटी फोर टू के टेबल में भी आता है टू ट्वेल्व बाई ट्वेंटी फोर फोर के टेबल में भी आता है फोर सिक्स बाई ट्वेंटी फोर तो इसी तरह आपने चेक करते जाना है कि जो नंबर के बाकी भी फैक्टर्स बन रहे हो या और टेब और नंबर के मल्टीपल्स में आ रहा हो, हो तो वो आपके पास प्राइम नंबर नहीं होता फिर नेक्स्ट चेक कर लें ट्वेंटी फाइव उसके भी और मल्टीपल्स बनते हैं तो इसी तरह आपने नंबर चेक करते जाने हैं तो यहाँ पे अब हम लोग लिस्ट बना लेते हैं कि हमारे पास ट्वेंटी एंड सिक्सटी के दरमियान कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं ट्वेंटी थ्री नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास आता है ट्वेंटी नाइन नेक्स्ट आता है थर्टी वन देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास थर्टी सेवन नेक्स्ट फोटी वन फोटी वन के पास हमारे पास नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है फोर्टी थ्री एंड नेक्स्ट हमारे पास होता है फोटी सेवन और इसके बाद हमारे पास आ जाता है फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री भी प्राइम नंबर है और लास्ट प्राइम नंबर बिटवीन ट्वेंटी एंड सिक्सटी हमारे पास फिफ्टी नाइन है ये लिस्ट है प्राइम नंबर्स की जो हमारे पास टेंटी एंड सिक्सटी के दरमियान आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री अब इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है कि हमने एक प्राइम नंबर फाइंड करना है वो प्राइम नंबर ऐसा होना चाहिए कि जिसको हम लोग वन जीरो वन के अंदर जब ऐड करें तो हमें एक ऑर्ड प्राइम नंबर मिल जाए इससे नेक्स्ट ऑर्ड प्राइम नंबर हमें मिल जाए तो वो अब हम लोग देख लेते हैं अगर हम लोग वन ज़ीरो वन के अंदर फर्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास टू होता है सो वन ज़ीरो वन के अंदर हम लोग जब टू ऐड करते हैं वन ज़ीरो वन प्लस टू सो ये आपके पास क्या बनता है वन ज़ीरो थ्री और वन ज़ीरो थ्री आपके पास प्राइम नंबर है और टू भी आपके पास प्राइम नंबर है तो यही नेक्स्ट हमारे पास ऑड प्राइम नंबर बनता है जो हम लोग अगर किसी भी प्राइम नंबर को वन जीरो वन के ऐड करें सो so, इसका आंसर हमारे पास आता है टू टू वो नंबर है जिसको हम लोग वन जीरो वन के अंदर ऐड करें तो हमें एक और प्राइम नंबर मिल जाता है और टू इट भी एक प्राइम नंबर है नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर वन ऑफ द ट्विन प्राइम्स इज सेवन फाइंड अदर इफ सम ऑफ बोथ नंबर्स इज एन इवन नंबर अब सबसे पहले जिसके अंदर एक की टर्म यूज हो रही है ट्विन प्राइम सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि ट्विन प्राइम होता क्या है अ ट्विन प्राइम इज़ अ प्राइम नंबर डेट इज़ इधर टू लेस और टू मोर देन एन अदर प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर आपके पास वो होते हैं कि अगर आपके पास एक प्राइम नंबर है उसके अंदर आप लोग टू ऐड करते हैं या टू सब करें तो आपके पास अगर एक और प्राइम नंबर आ जाता है तो वो आपके पास ट्विन प्राइम्स के दो पेयर बन जाते हैं ट्विन मीन्स टू फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखना चाहें तो आपके पास अलेवन और थर्टीन बिकॉज अलेवन भी एक प्राइम नंबर है थर्टीन भी एक प्राइम नंबर है अगर आप एक प्राइम नंबर ट्विन प्राइम में से अगर एक प्राइम नंबर को आप लोग अलेवन कंसिडर करें तो उसके अंदर जब आप टू एड करते हैं तो आपके पास थर्टीन आता है सो so, एलेवन और थर्टीन आपस में ट्विन प्राइम नंबर हैं सो so, अब आ, इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है कि हमने हमें उसने ट्विन प्राइम्स में से दो प्राइम नंबर्स में से जो कि ट्विन प्राइम्स हैं उसमें से उसने एक नंबर हमें दे दिया है सेवन हमने एक और नंबर फाइंड करना है और वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि एक तो वो इसका ट्विन प्राइम्स भी बने और दूसरा जब इसके साथ उसका सम किया जाए तो वो एक हमें इवन नंबर भी दे सो so, अगर इसके टू सब करें तो हमारे पास एक नंबर बनता है फ़ाइव और टू एड करें तो हमारे पास बनता है नाइन सो नाइन तो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है तो हम लोग फाइव को चेक कर लेते हैं प्लस so, सेवन आपके पास क्या बन जाता है ट्वेल्व अब ट्वेल्व आपके पास इवन नंबर है हमारी यही रिक्वायरमेंट थी कि जब उस नंबर को इस नंबर के साथ ऐड किया जाए तो हमें एक इवन नंबर मिले और वो नंबर ट्विन प्राइम्स भी होना चाहिए सो फाइव एंड सेवन ये हमारे पास ट्विन प्राइम्स हैं सो फाइव वो नंबर है जिसको हम लोग सेवन में ऐड करें तो हमें एक इवन नंबर भी मिल जाता है और फाइव और सेवन आपस में ट्विन प्राइम्स भी हैं क्वेश्चन नंबर फाइव फाइंड द ग्रेटेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर विच गिव्स द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर सबसे पहले आपने ग्रेटेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर फाइंड करना है और फिर उसके अंदर फोर ऐड करें तो वो आपके पास स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर दे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर होता क्या है सो so, वो हमारे पास नाइन्टी नाइन है ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर लेकिन नाइन्टी नाइन हमारे पास एक प्राइम नंबर नहीं है सो so, फिर अब हम लोग इसे बैक पिछले नंबर पे मूव करते हैं सो so, इसे पिछला नंबर है हमारे पास नाइन्टी एट वो भी आपके पास प्राइम नंबर नहीं है नेक्स्ट अगर आप लोग पीछे मूव करें तो आपके पास आता है नाइन्टी सेवन अब नाइन्टी सेवन वो नंबर है जो आपके पास प्राइम नंबर है और वो ग्रेटेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर है आपके पास डिजिटर सेवन ग्रेटेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर अब इस नंबर के अंदर जब आप फोर ऐड करें बिकॉज क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट है कि आप सबसे पहले ग्रेटेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर फाइंड करें और फिर उसके अंदर फोर ऐड करें तो ये आपके पास क्या आता है 101. तो वो आपके पास वन जीरो वन ही होता है स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर बिकॉज आपके पास स्मॉलेस्ट थ्री थ्री डिजिट नंबर जो होता है वो आपके पास हंड्रेड होता है और हंड्रेड जो है वो प्राइम नंबर नहीं है तो उससे नेक्स्ट हमारे पास आता है वन जीरो वन और वन जीरो वन वो नंबर है जो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर है आपके पास क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ टू प्राइम नंबर इस क्वेश्चन में हमने हमें जो नंबर गिवन है हम लोगों ने इनको दो प्राइम नंबर्स में डिवाइड कर देना है कि जिनका सम हमने दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिन जो प्राइम नंबर्स भी हों और जिनका सम हमारे पास ये जो नंबर गिवन है ये आए अब प्राइम नंबर हम लोग पहले देख चुके हैं कि या तो वो अपने नंबर से डिवाइड होते हैं या फिर वन से डिवाइड होते हैं सो थर्टी फोर तो इसको अगर आप लोग दो प्राइम नंबर्स में डिवाइड करें तो आपके पास आता है सेवनटीन प्लस सेवनटीन ये आपके पास थर्टी फोर हो जाता है नेक्स्ट है आपके पास फोर्टी टू बल्कि पहले बी पार्ट को देख लेते हैं थर्टी थ्री सो थर्टी थ्री आपके पास आता है थर्टी वन प्लस टू थर्टी वन भी आपके पास प्राइम नंबर है और टू भी आपके पास प्राइम नंबर है नेक्स्ट है फोर्टी टू फोर्टी टू के आपके पास बन जाते हैं पेयर्स थर्टी सेवन प्लस फाइव थर्टी सेवन भी आपके पास प्राइम नंबर है और फाइव भी आपके पास प्राइम नंबर है इन दो प्राइम नंबर्स को हम लोग ऐड करें तो हमारे पास फोर्टी टू आता है नेक्स्ट है आपके पास सिक्सटी सिक्सटी है आपके पास ट्वेंटी थ्री प्लस थर्टी सेवन एंड लास्ट पार्ट इज़ फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर कौन से दो प्राइम नंबर्स का पेयर बनता है फोर्टी थ्री प्लस एलेवन एलेवन प्लस फोर्टी थ्री आपके पास फिफ्टी फोर आता है और इलेवन भी आपके पास प्राइम नंबर है और फोटी थ्री भी आपके पास प्राइम नंबर है क्वेश्चन नंबर सेवन फाइन पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन फोटी एंड सेवेंटी अब इस इंटरवल के अंदर बिटवीन फोटी एंड सेवेंटी आपने पेयर्स फ़ाइंड करने हैं ट्विन प्राइम्स के ट्विन प्राइम्स आपके पास कौन से होते हैं वो नंबर होते हैं जिनको आप वन टू ऐड करें या टू सब करें किसी भी प्राइम नंबर में से तो आपके पास अगेन अगर एक प्राइम नंबर आ जाए तो वो आपके पास ट्विन प्राइम्स हो जाते हैं अब फोर्टी एंड सेवेंटी के दरम्यान आपने ट्विन प्राइम्स फ़ाइंड करने हैं Uh, 40 अब इससे नेक्स्ट प्राइम नंबर आपके पास क्या है फोर्टी वन सो फोर्टी वन में आप टू ऐड करें तो आपके पास एक फोर्टी थ्री होता है अब फोर्टी वन भी प्राइम नंबर है फोर्टी थ्री भी प्राइम नंबर है और ये प्रा, ट्विन प्राइम की डेफिनेशन पे पूरा उतर भी रहे हैं कि अगर आप टू ऐड करें या टू सब करें तो आपके पास अगेन प्राइम नंबर ही आए सो so, एक पेयर तो आपके पास ये हो गया फोर्टी वन एंड फोर्टी थ्री नेक्स्ट पेयर देख लेते हैं नेक्स्ट पेयर आप फिर फोर्टी फाइव चेक करें तो फोटी फाइव आपके पास प्राइम नंबर नहीं है नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन आपके पास प्राइम नंबर तो है लेकिन जो उससे नेक्स्ट आता है फोर्टी नाइन या उससे टू सब करें तो आपके पास फोटी फाइव आता है सो फोटी फाइव एंड फोटी नाइन आपके पास प्राइम नंबर नहीं है सो so ये ट्विन प्राइम्स नहीं बनेंगे इसी तरह आप चेक करेंगे तो आपके पास एक नंबर है फिफ्टी नाइन एंड नेक्स्ट टू अगर उसमें आप ऐड करें तो आपके पास सिक्सटी वन आता है सो फिफ्टी नाइन भी आपके पास प्राइम नंबर है और सिक्सटी वन भी आपके पास प्राइम नंबर है तो so ये दो प्राइम नंबर हैं और ये सिर्फ फिफ्टी नाइन में आप टू ऐड करेंगे तो आपके पास सिक्सटी वन आ जाएगा तो so ये ट्विन प्राइम्स हैं ये टू पेयर्स बनते हैं बिटवीन फोर्टी एंड सेवेंटी आपके पास ट्विन प्राइम्स के मूव टू द क्वेश्चन नंबर एट फाइंड अ नंबर एज अ सम ऑफ ट्विन प्राइम्स अब इसमें क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट है कि आपने इस नंबर को डिवाइड करना है एज अ सम ऑफ ट्विन प्राइम्स अब जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें हम लोगों ने किया था कि हमने डिवाइड तो करना था नंबर को लेकिन उसकी कंडीशन थी कि सिर्फ वो प्राइम नंबर्स हों ये कंडीशन नहीं थी कि वो ट्विन प्राइम्स होने चाहिए अब इस क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट है कि जो भी दो नंबर्स का सम ये नंबर बनेगा वो दो नंबर आपस में ट्विन प्राइम्स भी होने चाहिए सो थर्टी सिक्स को अगर आप लोग लिखें थर्टी सिक्स इज इक्वल टू तो ये आपके पास थर्टी सिक्स भी आता है और ये दोनों नंबर आपके पास ट्विन प्राइम्स भी हैं नेक्स्ट बी पार्ट है आपके पास एटी फोर सो एटी फोर इज इक्वल टू अब ये काफी सारे प्राइम नंबर्स तो मिल जाएंगे आपको कि जिनको दो को जिन दो नम्ब, प्राइम नंबर्स को आप लोग ऐड करें तो आपके पास एटी फोर आए या थर्टी सिक्स आए या इस तरह लेकिन आपने वो दो प्राइम नंबर्स चूज़ करने हैं जो ट्विन प्राइम्स भी हों सो फोटी वन प्लस 43 ये दोनों नंबर भी आपके पास ट्विन प्राइम्स हैं सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं 144 अब ये कौन से दो नंबर्स का सम बनेगा जो आपस में ट्विन प्राइम्स भी हों तो ये आपके पास आ जाता है 71 प्लस 73 थ्री आर ऑल्सो ट्विन प्राइम्स ये भी आपके पास ट्विन प्राइम्स हैं नेक्स्ट डी पार्ट है आपके पास सिक्सटी तो सिक्सटी कौन से दो नंबर्स का सम बनता है ट्वेंटी नाइन प्लस थर्टी वन ट्वेंटी नाइन प्लस थर्टी वन आपके पास सिक्सटी है और ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स के साथ साथ ये लोग ट्विन प्राइम्स भी हैं बिकॉज ट्वेंटी नाइन प्लस टू अगर आप लोग करें तो आपके पास थर्टी वन भी आ जाता है तो ट्विन प्राइम का ट्विन ट्वेंट प्राइम्स का यही कॉन्सेप्ट होता है कि आप या तो दो ऐड करें या फिर दो सब करें तो अगेन आपके पास प्राइम नंबर ही आए प्राइम नंबर में ही आपने टू ऐड या टू सब करना है और अगेन आपके पास कोई प्राइम नंबर आ जाता है तो वो आपके पास ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं नेक्स्ट है Next, आपके पास क्वेश्चन नंबर नाइन लिस्ट टेन कंपोजिट नंबर बिटवीन फोर्टी वन एंड फिफ्टी फाइव अब पीछे क्वेश्चंस में हम लोग प्राइम नंबर्स की बात करते रहे हैं अब आप लोग समझ लें कि प्राइम नंबर्स का जो अपोजिट होता है वो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स होता है इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कंपोजिट नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन वन एंड इट्स सेल्फ अब इन नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स में हमने कहा था कि उनका फैक्टर या तो वो नंब हो नंबर ही होंगे और या फिर वन होगा लेकिन कंपोजिट नंबर्स के, के केस में ऐसा नहीं होता फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग एक फोर देख लें तो फोर का फैक्टर टू भी है वन भी है और फोर इट्स भी है तो one और फोर के अलावा एक और टू भी है तो ये एक कंपोजिट नंबर है सो so, इसी तरह आपने फोर्टी फाइव के दरमियान कंपोजिट नंबर की लिस्ट फाइंड करनी है एट लीस्ट टेन के बाद आपके पास आता है फोर्टी टू एंड फोर्टी टू इज कंपोजिट नंबर बिकॉज ये टू के फैक्टर्स टू इसका फैक्टर बनता है नेक्स्ट है आपके पास फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री एक प्राइम नंबर है उससे नेक्स्ट नंबर आपके पास फोर्टी फोर है ये भी आपके पास प्राइम नंबर है वो कंपोजिट नंबर है बिकॉज ये टू टू भी इसका फैक्टर बनता है फोर भी इसका फैक्टर बनता है फोर्टी फोर भी इसका फैक्टर बनता है एलेवन भी इसका फैक्टर बनता है सो so ये एक कंपोजिट नंबर है बिकॉज इसके इस नंबर के अलावा और वन के अलावा भी इसके और काफ़ी फैक्टर्स हैं नेक्स्ट फोर्टी फाइव वो भी एक कंपोजिट नंबर है नेक्स्ट फोर्टी सिक्स डेट इज़ ऑल्सो कंपोजिट नंबर फोर्टी इसी तरह आपने लिस्ट बना लेनी है बिटवीन फोर्टी वन एंड फिफ्टी कंपोजिट नंबर फिफ्टी टू इवन नंबर तो आपके पास कंपोजिट नंबर ही होंगे क्योंकि बिकॉज वो टू के फैक्टर्स तो लास्ट में ही बनेंगे टू उनका फैक्टर लास्ट में बनेगा फिफ्टी फोर तो ये अब हम लोगों ने लिस्ट फाइंड कर ली है टेन कंपोजिट नंबर्स की बिटवीन फोर्टी वन एंड फिफ्टी फाइव अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर टेन लिस्ट फाइव कंजेक्टिव कंपोजिट नंबर्स बिटवीन सिक्सटी एंड सेवेंटी अब इसने हमें क्या कहा है कि आपने सिक्सटी एंड सेवेंटी के दरमियान कंपोजिट फाइंड कंपोजिट नंबर्स फाइंड करने हैं और वो कंजेक्टिव भी होने चाहिए कंजेक्टिव मीन्स लगातार सो सिक्सटी सिक्सटी वन आपके पास प्राइम नंबर है इसके बाद आपके पास आ जाता है सिक्सटी टू सो सिक्सटी टू आपके पास कंजेक्टिव नंबर है नेक्स्ट सिक्सटी थ्री भी आपके पास कंजेक्टिव नंबर है सिक्सटी फोर भी आपके पास कंजेक्टिव नंबर है सिक्सटी फाइव भी आपके पास कंजेक्टिव नंबर है एंड सिक्सटी सिक्स भी बिकॉज ये टू भी इसका फैक्टर बनता है थ्री भी इसका फैक्टर बनता है सिक्स भी इसका फैक्टर बनता है और ये खुद भी अपने अपना फैक्टर बनता है और वन भी इसका फैक्टर बनता है सो so ये अब हम लोगों ने लिस्ट फाइंड कर ली और फाइव कन्जक्टिव कंपोजिट नंबर्स बिटवीन सिक्सटी एंड सेवेंटी अब इसके इस एक्सरसाइज में हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स को डिस्कस किया है ट्विन प्राइम्स को भी डिस्कस किया है होप्स तो so आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी थैंक यू वेरी मच